हाय दोस्तों, केला फ्लेवर चैनल पर सबका स्वागत है। कैसे आप सब? आज हम ये सर्दी में कैसे बैटर को फर्मेंट करते हैं, दोसा या इडली बैटर को कैसे फर्मेंट करते हैं करके हम देख। सबसे पहले बैटर रेडी करने के बाद हम इस पे नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डालना बहुत ज़रूरी है ये फर्मेंटेशन अच्छा होने के लिए। अब देखिए, बैटर में बबल्स वगैरह आ गया है और हमारा बैटर रेडी है। अब मैं तो दो बर्तन में ऐसे ट्रांसफ़र करके रख रही हूँ, क्योंकि दो मेथड्स मैं बताने वाली हूँ। इसलिए ये दोनों मेथड में से कौन सा आपको कन्वीनियंट लगेगा वो मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये बर्तन क्लोज़ करके रखेंगे, खुला नहीं रखना है, क्लोज़ करके। फर्स्ट मेथड ये है, अवन है नॉर्मली, जो अवन रहेगा उस पर लाइट ऑन करके उसके अंदर रखना है। मैं तो हर टाइम बैटर बनाते टाइम ऐसे मेथड फॉलो करके बैटर को फर्मेंट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी मेथड है इसलिए। अब अगला मेथड ये है, सबसे पहले पानी को गर्म करना है। एक छोटे सा बर्तन में पानी गर्म करेंगे और उसके बाद हमें चाहिए थिक ब्लैंकेट, बहुत थिक ब्लैंकेट चाहिए। और उसके बाद ये ब्लैंकेट के अंदर जो गर्म पानी का बर्तन है वो रखेंगे, पानी के साथ ही रखना है। और उसके बाद हमें एक जाली टाइप का बर्तन चाहिए और ये जाली टाइप का बर्तन को इसके ऊपर रखना है, मतलब जो गर्म पानी है, गर्म मतलब अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब देखिए, हीट वगैरह ये जाली से ऐसे, मतलब वो होल से ऊपर आएगा, तो हम इसके ऊपर हमारा जो बैटर है वो रखेंगे। उसके बाद हम जो ब्लैंकेट से इसको कवर करेंगे, अच्छे से कवर करके रखेंगे। यहाँ पे माइनस डिग्री है इसलिए मैं ऐसे रख रही हूँ। अगर आपके वहाँ तो उतना, मतलब ठंड नहीं है, ऑलमोस्ट 18 डिग्री उतना है, तो आप ऐसे गर्म पानी रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कोई सा भी कपड़ा, मतलब थिक कपड़ा या ब्लैंकेट में कवर करके कबर्ड के अंदर रख सकते हैं। अब देखिए, मैं तो ऐसे कवर किया है। अब हम सुबह देखेंगे इसका रिज़ल्ट। अब देखिए, सुबह है, ये ऑलमोस्ट 10 आवर्स के बाद है। 10 आवर्स के बाद हम ये ओपन करके देखेंगे और देखते हैं बैटर कैसे आया है करके। अवन का भी मैं जो बैटर ओपन करके दिखाती हूँ आपको, सबसे पहले ये देखेंगे कैसे आया है करके। आपको कोई सा भी मेथड फॉलो करके आप बना सकते हैं। देखिए, ये बैटर इतना फ्लफ़ी आया है और ये बैटर का टेक्सचर तो इतना अच्छा है कि अच्छे से फर्मेंट हो गया है। ज़्यादा खट्टा वगैरह नहीं होगा, पर अच्छे से फर्मेंट होगा। देखिए, बहुत फ्लफ़ी बैटर बन गया है। इसी बैटर से इडली बनाया तो बहुत फ्लफ़ी इडली मिल जाएगी ज़रूर। देखिए, बहुत फ्लफ़ी बैटर है, आवाज़ से ही पता चला होगा कि कितना वो फर्मेंट हो चुका है करके। अब हम अवन के भी जो बैटर देखेंगे वो कैसे फर्मेंट हो गया कि नहीं करके चेक करेंगे। ये भी सेम टाइम में है, मतलब 10 आवर्स रखा है मैंने। मैं तो यही मेथड फॉलो कर रही हूँ हर टाइम, क्योंकि अवन पे रखना बहुत इजी है। ऐसे गर्म पानी वगैरह मतलब उबाल के ऐसे करने में थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए अवन के अंदर रखा तो बहुत ईजीली हो जाएगा हमारे बैटर फर्मेंटेशन। देखिए, ये तो बैटर भी अच्छे से फर्मेंट हो गया है, फिर भी हम चेक करेंगे। देखिए, दिख रहा है ना आपको, बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। बस इतना ही है, बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपके पास अवन है तो यही मेथड फॉलो करके बना लीजिए, मतलब फर्मेंट कर लीजिए बैटर को। यही बहुत ईजी मेथड है, और अवन नहीं है तो गर्म पानी वाला मेथड भी ट्राई करके देख लीजिए। ये टिप्स तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मुझे पूछा था, कमेंट मिले थे, इसलिए मैंने अपने मेथड्स शेयर किया है। अगर आपको यूज़फुल हुआ तो आप ट्राई करके देख के आपके फीडबैक ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक भी कर लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को शेयर भी कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।